हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ का। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें पता चल पाएगा कि हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिलेगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। वैसे ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, सबको पता है ये कंपनी काम क्या करती है, पर फिर भी इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर डेब्ट कितना ज्यादा है, क्योंकि अदानी की हर कंपनी पे ऊपर डेब्ट काफी ज्यादा है। और उसके अलावा ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है या नहीं है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स हाथों हाथ मिलते रहें। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एफपीओ और आईपीओ के अंदर अंतर क्या होता है, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, तब वो क्या है कि उसको फंडिंग जुटानी है या प्रमोटर की होल्डिंग कम करनी है, तो वो एफपीओ लेके आते हैं। मतलब वो पैसे जुटाने के लिए या प्रमोटर की होल्डिंग कम करने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आते हैं। फिर दोस्तों, कोई भी नई कंपनी अगर लिस्ट करनी होती है तो क्या है कि आईपीओ लेके आया जाता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शुरुआत में कोई भी नई कंपनी लिस्ट करनी है तो आईपीओ लेके आते हैं। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, कोई फंडिंग जुटानी हो तो एफपीओ लेके आते हैं। और दोनों का अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर, जैसे हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं नॉर्मली, वैसे के वैसे इसके अंदर एफपीओ में अप्लाई करना होता है। सेम लॉट सिस्टम होता है, सारी चीजें सेम होती है, तो प्रोसीजर सेम है, वैसे ही अप्लाई करना है। सारी चीजें क्लियर है, क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 80 रुपीज पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 4 शेयर का ये लॉट है, तो 320 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो सिर्फ 2-3% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा कम है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम मैं आपको बताता हूं कि 20% तो होना ही चाहिए। ऑलरेडी जो ये एफपीओ है 10% डिस्काउंट पर ही आया है, तो ज्यादा ग्रे मार्केट का प्रीमियम हो ही नहीं सकता। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो अदानी इंटरप्राइजेस जो है 1988 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जितनी भी अदानी की कंपनीज है उन सभी की ये पेरेंटल कंपनी रह चुकी है। और इसके अंडर में मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स हैं, और इसने काफी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज जनरेट की है, जैसे अदानी पावर है, अदानी विलमार है, अदानी टोटल गैस है, अदानी पोर्ट्स है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये सारी कंपनीज इसके अंडर में ही आती थी। अब सभी को अलग अलग लिस्ट कर दिया है। और इसके खुद के अगर पर्सनल बिजनेस की बात करें तो माइनिंग बिजनेस के अंदर है, एयरपोर्ट बिजनेस के अंदर है, रोड एंड ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर है, एरोस्पेस और डिफेंस के बिजनेस के अंदर है, डाटा सेंटर के बिजनेस के अंदर है, और इसके अलावा एग्रो, सोलर, फूड ऑयल, मेट्रो और भी काफी सारे बिजनेस हैं अडानी इंटरप्राइजेस के। मतलब शुरुआत के अंदर मेन जो सारी इसकी कंपनीज है वो इसके अंडर में आती थी। जब भी कोई बिजनेस इसका फैलता, मतलब बढ़ता है इसका बिजनेस, उसको अलग से लिस्ट कर दिया जाता है, मतलब ऐसा ही लगातार चल रहा है। तो इसका काम आपको समझ में आ गया, वैसे ऑलरेडी लिस्टेड है, सबको समझ में आया हुआ है, ये काम समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 2020 से लेकर 2022 तक अगर देखें तो इसके एसेट्स जो हैं लगातार बढ़े हैं, और इसके रेवेन्यू के अंदर भी 2020 से लेकर 2022 तक ग्रोथ देखने को मिली है। पर अगर इसका प्रॉफिट देखें 2020 से लेकर 2022 तक, तो 2022 के अंदर इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई है, पर FY23 के 6 महीनों के अंदर अगर देखें तो इसका प्रॉफिट जो है बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कंपनी की नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ साल दर साल बढ़ रही है, पर कंपनी के अंदर एक कमी है जो हर अदानी कंपनी के ऊपर कमी है, वो है इसके ऊपर डेप्ट काफी ज्यादा, मतलब उधारी काफी ज्यादा है, बोरोइंग्स काफी ज्यादा है। तो आज की तारीख में अगर अदानी इंटरप्राइजेस पर उधारी देखें तो 40-41 हजार करोड़ रुपए की उधारी है आज की तारीख में। और अगर इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1.31 का निकल कर आता है, जो कि बहुत ज्यादा है, 1 से कम होना चाहिए तो थोड़ा सेफ माना जाता है, पर इसका 1.31 का है। तो हर अदानी कंपनी के अंदर यही कमी होती है, डेप्ट काफी ज्यादा होता है। और अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 327 का है, और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 38.1 का है, मतलब अपने इंडस्ट्री के जो भी शेयर है उनसे लगभग 9-10 गुना महंगा ये शेयर चल रहा है आज की तारीख में। हालांकि जो उसके फ्यूचर प्लान वगैरह अगर देखते हैं तो उस हिसाब से ये महंगा होना वाजिब है, पर डेप्ट के कारण थोड़ा क्या है कि थोड़ा हमें संदेह हो जाता है। और मुझे ये नहीं लगता कि फ्यूचर के अंदर भी ये शेयर जो है हमें सस्ता मिलेगा। अदानी के कोई भी शेयर मुझे
सस्ते नहीं लग रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर भी वो सस्ते होंगे, जिस हिसाब से ये प्लान लेके चल रही है। हालांकि डेप्ट ज्यादा है, डेप्ट को अगर छोड़ दें, जो इसके प्लान अगर देखें अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर देखें या अदानी विलमार के अंदर देखें या अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर देखें, तो उसके फ्यूचर प्लान को देखते हुए मुझे लगता है ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकती है अदानी के शेयर्स के अंदर। तो मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर भी ये शेयर जो है सस्ते तो नहीं मिलने वाले हैं। और अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 3,94,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है आज की तारीख में, मतलब ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया लार्ज कैप कंपनी है। और इसने एक साल के अंदर जो हाई बनाया है 4190 रुपए का और लो बनाया है 1528 रुपए का, एक साल में भी बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और इसने ऑलरेडी ऑल टाइम अगर इसका रिटर्न देखे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर ने। और इसके अंदर जो ज्यादा तेजी देखी गई है 2020 के बाद ही ज्यादा तेजी देखी गई है। और इसकी आरओई 4% की, आरओसी 7% की, जो कि बहुत ज्यादा कम है, मिनिमम 15% की तो होनी ही चाहिए। और बाकी सारी चीज को नेग्लिजिबल कर दें तो उसके ऊपर एक चीज की कमी नजर आती है, वो है डेप्ट, मतलब उधारी काफी ज्यादा है जो कि फ्यूचर के अंदर कम होनी चाहिए। हालांकि जो आईपीओ से पैसे जुटाए जाएंगे उससे थोड़ी बहुत उधारी चुकाई जाएगी, पर इतनी ज्यादा भी नहीं चुका पाएंगे। तो अभी आईपीओ से जो 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सारा फ्रेश इश्यू है, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए उधारी चुकाने के लिए काम आएगा। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक से जुटाएगी वो कहां कहां काम आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो वो काम आएंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के अंदर, एयरपोर्ट इंप्रूवमेंट के अंदर और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के अंदर। तो उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए में से 10,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर दोस्तों कुछ पैसे जो है उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, लगभग 4,165 करोड़ रुपए इसकी उधारी मतलब डेट चुकाने के अंदर काम आएंगे, जो कि अदानी एयरपोर्ट के अंदर है, अदानी रोड के अंदर है, मुंद्रा सोलर के अंदर है, ये 4,165 करोड़ उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। और 4,966 करोड़ रुपए जो है इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएंगे। पर ये अच्छी बात है कि फ्रेश इश्यू के अंदर पैसा बढ़िया खर्च हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है बट डेप्ट काफी ज्यादा है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 3112 रुपए से लेकर 3276 रुपए के बीच में, और रिटेलर्स है उनको 64 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद रिटेलर्स को 3212 रुपए में ये शेयर पड़ेगा। और चार शेयर का ये लॉट है जिसके अंदर 13,104 रुपए हमें मिनिमम एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसके अंदर पार्शियली पेड शेयर्स का भी कुछ है, वो मैं आगे आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, जिसके अंदर हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, मतलब आधा इंस्टॉलमेंट में आधा पे करना पड़ेगा फिर आधा और पे करना पड़ेगा। तो ये पूरी जो डिटेल है वो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसका जो इश्यू साइज है 20,000 करोड़ रुपए का, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है, मतलब कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए काम आएगा, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस एफपीओ की। रिटेल पोर्शन जो रखा गया है 35% का, और इसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है, मतलब जिनके पास अदानी इंटरप्राइजेस के ऑलरेडी शेयर है उनको कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं दिया गया है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 8 फरवरी को। तो ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें क्लियर करते हैं। और दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स के पास किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो अभी 3596 18 जनवरी को इसकी प्राइस थी, उससे 10% डिस्काउंट पर हमें ये शेयर जो है दिया गया है, लगभग 3276 रुपए में ऑफर किया गया है और 64 रुपए जो है रिटेलर्स को डिस्काउंट दिया गया, मतलब लगभग 10% का डिस्काउंट जो 18 जनवरी को प्राइस चल रही थी उस हिसाब से। और आज की तारीख में जो शेयर की प्राइस चल रही है 3463 रुपए पर आज की तारीख में ये क्लोज हुआ है। तो शेयर के अंदर लगातार गिरावट आई है और मुझे लग रहा है कि 27 जनवरी जब इसकी ओपनिंग डेट है तब तक और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर और ज्यादा गिरावट होती है, मान लो 3200 रुपए से भी सस्ता शेयर मिल जाता है, तो हम क्या है कि मार्केट से भी खरीद सकते हैं, मतलब ओपन मार्केट के अंदर ले सकते हैं, तो एफपीओ में अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीएमपी अगर देखें तो 80 रुपए पर शेयर चल रही है, मतलब करीबन 2-3% ही जीएमपी चल रही है, मतलब 20% से तो बहुत ज्यादा कम है, 5% से भी कम है। तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है, हो सकता है गिरावट हो, हम ओपन मार्केट में भी इसको खरीद पाए। और बाकी देखिए दोस्तों मार्केट ट्रेंड क्या होता है, शेयर के अंदर और ग्रोथ देखने को मिलती है, शेयर और चढ़ता है तो क्या है कि हो सकता है हम अप्लाई कर पाए, मतलब 3200 रुपए फिर सस्ता मिल जाएगा, 4000 तक चला जाता, पर 4000 जाने की मुझे नहीं लगता कि 4000 तक ये शेयर जाएगा, और मुझे लग रहा है गिरावट हो सकती है पर शेयर चढ़ेगा नहीं। अब तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अभी थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है, मार्केट ट्रेंड देखते हुए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, मतलब ओवरऑल जो उसने रिटर्न बना के दिया है ऑल टाइम इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर शेयर ही है, जिसने भी पास के अंदर इसको रख रखा है तो उसको तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर,
और उसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर, रोड के अंदर, माइनिंग के अंदर, तो वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मुझे लग रहा है कि ओपन मार्केट के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि शेयर के अंदर मुझे लगता है और गिरावट हो सकती है, जैसे जिस टाइम से इसकी अनाउंसमेंट हुई है FPO की उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है 3200 रुपए से भी थोड़ा सस्ता मिल जाए ओपन मार्केट के अंदर, तो अप्लाई करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं नजर आ रही है। बाकी दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करें या नहीं करें, जो भी डिसीजन लेना है अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। ये अपना मैं व्यू रख रहा हूँ, आपका व्यू अलग हो सकता है, किसी और एक्सपर्ट का व्यू अलग हो सकता है। और दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या ये शेयर और ज़्यादा गिरावट होगी, मतलब ओपन मार्केट में हम ले पाएंगे इस शेयर को, या इस शेयर के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी, मतलब क्या होगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस FPO में अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी दोस्तों फाइनल डिसीजन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, और पार्शियली पेड शेयर्स क्या है उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।